उत्तर प्रदेश में मतदान खत्म होते ही नेता आरामगाह में चले गए। रैली और भाषणों का कनफोड़वा शोर थम चुका है और लोगों को कयास लगाने के लिए थोड़ा समय भी मिल गया है। किसकी सरकार बनेगी यह तो 10 मार्च के एग्जिट पोल में पता चल जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल ने विपक्ष को खासा परेशान कर दिया है। विपक्ष और उनके समर्थकों के लिए कल शाम के एग्जिट पोल निराश करने वाले हैं, लेकिन फिर भी सरकार बनाने दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ 300 पार के दावे पर डटे हैं, तो उधर अखिलेश यादव भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। अब तक 6 चरणों में हुए मतदान का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो RLD का गठबंधन रहा हो, चाहे उपकार राजवर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। दिलचस्प है कि खबरिया चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल में किसी भी एजेंसी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। गौर कीजिएगा कि इन चैनलों के ओपिनियन पोल भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे। विशेषज्ञों की राय है कि भाजपा ने ओपिनियन पोल्स को मैनेज किया था, लेकिन चुनाव होने के बाद क्या एग्जिट पोल भी मैनेज है? यह बड़ा सवाल है। आखिर कोई पार्टी एग्जिट पोल मैनेज करने पर खर्च क्यों करेगी, जबकि चुनाव हो चुके हैं? तो आइए समझते हैं इन एग्जिट पोल्स का मनोविज्ञान। असल में ओपिनियन पोल जनता का माइंडसेट बदलने के लिए होते हैं, जबकि एग्जिट पोल ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डालने का हथियार है। आप बिहार चुनाव याद कीजिए, जहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रही। उसका कारण यही एग्जिट पोल थे। बिहार चुनाव के बाद सारे एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में दिखाए गए, जिससे चुनाव करवा रही ब्यूरोक्रेसी प्रेशर में आ गई। अधिकारियों ने सोचा कि भाजपा से पंगा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक उनकी सरकार बन रही है। इसलिए जिन सीटों पर राजद बहुत कम मार्जिन से जीत रही थी, वहां प्रमाण पत्र उन्हें मिल गया जो असल में चुनाव हार गए थे। बिहार में ऐसी सीटों की संख्या ज्यादा थी जहां राजद बहुत कम मार्जिन से फाइट कर रही थी, लेकिन बंगाल चुनाव में भाजपा का यह पैंतरा काम नहीं आया, क्योंकि जीत का अंतर बड़ा था और ब्यूरोक्रेसी के बस में नहीं था कि भाजपा को जबरदस्ती चुनाव जिताया जाए। मतलब एग्जिट पोल वही काम आते हैं जहां लड़ाई कांटे की हो, और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। एग्जिट पोल आने के बाद ब्यूरोक्रेसी पर निश्चित ही दबाव बढ़ गया है, और आप देखिएगा कि जिन सीटों पर अंतर बहुत कम होगा, वे सीटें भाजपा की झोली में चली जाएंगी। इन सब के बीच एक सर्वे ऐसा भी है जो पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आने का दावा कर रहा है। इस सर्वे को करने वाली एजेंसी का नाम है आत्म साक्षी ग्रुप, जो हैदराबाद की एजेंसी है। इसी एजेंसी ने बंगाल चुनाव में भारी बहुमत से ममता सरकार बनने की भविष्यवाणी की थी। दक्षिण के चुनाव में भी उनके दावे खरे उतर चुके हैं। चूंकि यह एजेंसी किसी न्यूज चैनल के लिए सर्वे नहीं करती और सैंपल साइज भी औरों की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साक्षी ग्रुप का सैंपल साइज करीब 2.5 लाख है। ग्रुप ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा है, जिसमें बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और पश्चिम यूपी शामिल है।
अब आप एक एक क्षेत्र का एग्जिट पोल देखिए, हर क्षेत्र में बीजेपी सीटें खो रही है। इस हिसाब से यदि उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों पर आत्मसाक्षी ग्रुप के सर्वे को जोड़कर देखा जाए तो भाजपा को 133 से 138 सीटें मिल रही हैं, जबकि समाजवादी गठबंधन को 221 से 228 सीटें मिल रही हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन की सरकार बन रही है। इतना ही नहीं, ग्रुप ने पंजाब और उत्तराखंड चुनावों में कांग्रेस की सरकार आने का दावा भी किया है। अब 10 मार्च को यह देखना दिलचस्प होगा कि टीवी चैनलों के तमाम सर्वे सही थे या आत्मसाक्षी ग्रुप का अकेला सर्वे। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आजाद पत्रकारिता का मनोबल बढ़ाएं।